थैंक यू थैंक यू। ये जो हमारी फिल्म रिलीज हुई है कल ही, बाजीराव मस्तानी, फिनोमिनल रिस्पॉन्स सो फार, आई एम वेरी 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 हैप्पी। बहुत खुशी है जिस तरीके का रिस्पॉन्स आ रहा है, हर कोने से प्रेम बरस रहा है। थर्सडे रात को मैंने खुद अपने इंडस्ट्री के सीनियर्स के साथ फिल्म देखी और जिस तरीके की प्रशंसा उन्होंने अपने दिल से की, जो जो भी बयां किया मुझे दीपिका को, जिस तरीके की चीज़ें बोली, वाकई मेरे दिल को छू गई। ये बात मेरे लिए, मेरे दिल में हमेशा के लिए रहेगी। जो भी रेखा जी ने कहा, माधुरी दीक्षित जी ने कहा, श्रीदेवी जी ने कहा, ऋतिक रोशन साहब ने कहा, बहुत खुशी है कि सबको फिल्म इतनी अच्छी लगी, इतनी भाई। और फिर क्रिटिक्स के रिव्यूज़ आने लगे, उनको भी पढ़ के एकदम हमारी पूरी टीम फूली नहीं समाई। सच फैबुलस रिस्पॉन्स फ्रॉम द क्रिटिक्स। और अब माई बाप ऑडियंस कुछ वीडियोस देखें, हालांकि बहुत बिजी रहा हूं मैं पिछले दो दिन में, मैं जा नहीं पाया हूं थिएटर्स में रिएक्शंस चेक करने, लेकिन हमारे जो एडीज़ हैं, जो मित्र हैं, वो वीडियो रिएक्शंस ले रहे हैं गेटी गैलेक्सी में, चंदन में, सिंगल स्क्रीन्स में, और मल्हारी गाने पे खास जो तालियां और सीटियां बज रही हैं, बहुत मज़ा आ रहा है लोगों को। जिस तरीके के मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं सोशल मीडिया पे, एसएमएस, जो भी मेरे अंकल आंटीज़, मेरे पेरेंट्स ने एक स्क्रीनिंग रखी थी कल रात, मेरे अंकल आंटीज़, मेरे फ्रेंड्स फैमिली ने देखी, इस तरीके का रिस्पॉन्स हर फिल्म के लिए नहीं आता। हमारी पूरी टीम की हमेशा से, एक डेढ़ साल के पहले जब हमने इस फिल्म की शुरुआत की, हमारी कोशिश रही कि हम एक यादगार फिल्म बनाएं, और जिस तरीके का रिस्पॉन्स आ रहा है, ऐसे लग रहा है कि ये फिल्म हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगी लोगों को। 10, 15, 20, 25 साल, 50 साल बाद भी होपफुली उनके दिल को ऐसे ही छू जाएगी जिस तरीके से पिछले डेढ़ दिन में उनके दिल को भाई है। आई एम रियली हम्बल्ड and very grateful with the response of the critics, of the audience, of everyone, and all the love and all the amazing messages and words of praise and encouragement that are coming in from every corner. I am truly, truly humbled and thankful and very, very happy today. Last question. Yes. Yeah, मुश्किलात तो थीं इस फिल्म की शूटिंग के दौरान। मैं अपने खुद के स्टंट्स कर रहा था, तो कभी कभार डेंजर होता है, रिस्क होता है, और दी अनथिंकेबल हैपेंड, आई गॉट फ्लंग ऑफ द हॉर्स, मेरा राइट कंधा टूट गया था एक ऐसे वक्त पर जब सारा का डांस और सारा एक्शन अभी भी बाकी था। सो आई हैड टू मेक अ वेरी वेरी स्विफ्ट एंड रैपिड रिकवरी, फॉर विच आई टुक माई रिहैबिलिटेशन वेरी वेरी सीरियसली। मैं 4-6 घंटे रोज़ रिहैबिलिटेशन करता था, फिजियोथेरेपी करता था, ऑपरेशन भी कराई मैंने, और एक सेल्फी ली थी मैंने ऑपरेशन थिएटर में, जो लोग देख के काफ़ी खुश हो गए। लेकिन वो बहुत मुश्किल पीरियड था मेरे लिए। मैं काफ़ी डिप्रेस था, ऑडियो बुक सुनता था मोटिवेशनल स्पीकर्स के, जिम में जाके 2 घंटे सुबह, फिर 12 घंटे शूट करके 2 घंटे शाम को। मुश्किलात थी, बट आई हैव टू से एट द सेम टाइम, एज डिफ़िकल्ट एज दिस प्रोसेस वॉज, इट वॉज़ वेरी वेरी रिवॉर्डिंग, वेरी फुलफिलिंग, एंड I felt like I had got my reward by just having this experience of shooting this film. Ab jo audience ka pyar aa raha hai, that is sone pe suhaga. So I am really, really very happy. Yeah, I am feeling much lighter that Bajirao is released. You know, I am so happy that the film is released. And bas jo goli hai banduk se nikal gayi hai, ab log dekh rahe hain aur sabko pasand aa rahi hai. I am just absolutely thrilled, feeling very light, and I think I really do need to take my richly deserved and much earned vacation. तो अब कुछ ही दिनों में मैं गुम हो जाऊंगा और फिर ढूंढते रह जाओगे। आई होप सो सर, आई होप सो। इट्स ऑलवेज लवली टू गेट दैट काइंड ऑफ वैलिडेशन फॉर योर वर्क एंड बी रिवॉर्डेड विद अ पैट ऑन द बैक। Firstly, the love and praise, words of praise and encouragement that come from your industry seniors, it really feels wonderful. Because ये ऐसे लोग हैं who you have grown up watching, you know. So when they like your work and then they praise your work, it really feels wonderful. The praise from your contemporaries, from your colleagues, the kind of messages that I've got from some of my friends, really very, very heartening.
The critical acclaim, of course, it's wonderful. I'm so happy for the whole team that, you know, even the critics think that we've made such a good film. It's wonderful. It's every level the film is working, and that is rare, and it's really testament to the hard work of the team. I'm very happy for all of us. Everyone's happy. Deepika, Sanjay sir, Priyanka, we're all so, so happy with the response. And now, you know, the biggest thing, the thing we all work for, which is the love of the audience, which is to entertain the audience. You know, when I watched three screenings with an audience, and you know, the way they reacted to the songs, the way they reacted to the scenes, the, you know, the way they were in the interval, the way they were after the film, you know, everybody came out with moist eyes, and everybody, you know, ek aap hug karte ho na kisi ko a film dekhne ke baad to pata chalta hai unko kaise feeling aayi, ekdam dil se log, you know, is film ko pyar de rahe hain, and I'm just, it's a very, very special day, very special weekend for me and for the whole team. Thank you. Look, main agar kaisa lag raha hai, yaar mujhe bahut ajeeb lag raha hai, aapko aapki moochhe khud hai to aapko pata, you know, you might have some idea ki kitna ajeeb lagta hai. Kal maine nikali, aaj pehla aisa din hai, mera first appearance hai aaj Adidas ke store mein. Main aaya hu Yeezy Boost launch karne, my first appearance, you know, after 14 mahino ke liye maine, you know, wo Bajirao wala look rakha tha, wo ab shendi bhi nikal gayi, aur you know, jo 6-8 mahine ke liye mooch rakhi thi wo bhi nikal gayi. To different feeling hai, I take some getting used to. I think 2-3 din lagenge, but I hope I get used to it, kyunki ab March mein befikre ki shooting shuru hogi, to hopefully mere baal jaldi se ugenge, shooting jaldi se shuru ho jayegi, aur hopefully log meri badi si naak ke bawajood mera chocolate boy look unko pasand aayega. So thank you so much, thank you for guys. We'll be right back.